Assalamualaikum, वेलकम बैक टू चैनल कुक विद फैम। आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार, जूसी और स्पाइसी चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इसका नाम है चिकन गार्लिक रोस्ट। और जब आप इसे बनाएंगे, इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी और लोग सोचेंगे आखिर क्या बना रहे हैं आप। और आप मुझसे कहेंगे इतनी मज़ेदार रेसिपी आपने अभी तक क्यों नहीं बताई, क्योंकि आपकी फैमिली की फेवरेट बन जाएगी। चिकन गार्लिक रोस्ट की धमाकेदार रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल कुक विद फैम सब्सक्राइब कर लें। चिकन गार्लिक रोस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन विद बोन्स या विदाउट बोन्स, यानी बिना हड्डी का चिकन भी ले सकते हैं, लेकिन चिकन के पीसेस थोड़े से छोटे साइज में कट कर लें। और इस चिकन का वजन है 600 ग्राम। इसमें डालिए 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी डाल दें 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक, आधे नींबू का रस। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। चिकन के साथ तो सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, इसे हम साइड में रख देते हैं बस एक 10 से 15 मिनट के लिए। नेक्स्ट हमें थोड़े से स्पाइसेस पीसना है। मिक्सर के जार में डालिए 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 5 इलायची, 4 लौंग और 1 दालचीनी का पीस। मैं इसमें 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, ये अच्छे कलर के लिए है, और 1 टेबलस्पून नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर। आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ना हो तो स्किप कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसे पीस लें। इस तरह से पीसने के बाद इसमें डालिए 20 से 25 लहसुन के कलियां, छिलका मत निकालिए, बिना छिलका निकाले ही डालिए। और इसे हमें थोड़े ही सेकेंड्स के लिए दरदरा सा पीसना है, ज्यादा बारीक ना करें। देखिए इस तरह से पीस लें। चलिए कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। चिकन गार्लिक रोस्ट बनाने के लिए पैन ले लें और इसमें डालिए 5 टेबलस्पून तेल। हाई फ्लेम पे तेल अच्छे से गरम कर लें। तेल गरम हो चुका है, इसमें डालिए 2 बड़े साइज की बारीक कटी हुई प्याज। हाई फ्लेम पे ही इसे फ्राई कर लें। अच्छे से फ्राई करिए इसका रंग बदलने तक। प्याज का रंग बदल गया है, देखिए इस तरह का कलर चाहिए हमें। अब इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दें। चिकन डालने के बाद हाई फ्लेम पर ही चिकन को फिर से इसके साथ अच्छे से भूनिए। ऐसे ही हम 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे। चिकन को इस तरह से अच्छे से भूनने के बाद फ्लेम को अब लो पे रख दें, इसके ऊपर लिड बंद कर दें और लो फ्लेम पे चिकन गलने तक ऐसे ही गलाते जाइए। इसके लिए हमें एक 10 से 12 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाता है और हमने ऑलरेडी मैरिनेट भी किया हुआ है। देखिए चिकन में बहुत सारा पानी निकला है, इसी में चिकन अच्छे से गल जाता है, इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब आप ऐसे ही बनाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा, यानी बिना पानी डाले तभी परफेक्ट रोस्ट बनेगा। देखिए लो फ्लेम पर ही पानी कम्प्लीटली ड्राई हो गया है और चिकन भी हमारा गल गया है और ये अच्छे से रोस्ट भी हो गया है, इसका कलर देखिए। अब हम इसमें गार्लिक मसाला डाल देते हैं। देखिए चिकन बहुत ही अच्छे से गल चुका है, बहुत आसानी से टूट रहा है, डाल दें। डाल के फ्लेम को मीडियम पे रख के मिक्स कर लें। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है डालने के बाद और कलर देखिए कितना अच्छा आया है। ये तो मसाले के साथ अच्छे से रोस्ट हो चुका है, तेल भी देखिए अच्छे से दिख रहा है। अब हम इसमें करी पत्ता डाल देते हैं, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। करी पत्ता डालने के बाद फिर से मिक्स करते जाइए। मैरिनेट करते वक्त हमने थोड़ा सा नमक डाला था, अब थोड़ा सा डालें, मुझे कम लग रहा है। चलिए मिक्स कर लें। देख सकते हैं आप, देखने में भी बहुत बहुत यम्मी लग रही है और इसका मसाला तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। बहुत टेस्टी है।
इसमें आखिर में डालिए बहुत सारे धनिया के पत्ते। और आखिर में इसमें हम डालेंगे नींबू का रस। और मिक्स कर दें। जो भी स्पाइसी रेसिपी होती है जैसे कि चिकन रोस्ट, लेमन यानी नींबू का रस डालने से और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। इसे सर्व कर लें। जैसे ही आप वीडियो देखेंगे आप इसे बनाना स्टार्ट कर देंगे। इतनी आसान रेसिपी है, घर पर अवेलेबल सिंपल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके आप इसे बना सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताएं रेसिपी कैसी लगी।